प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण? माता जी आप खुद देख लीजिए, जो काल है सो काला है, जो काला है सो काल, यही है काला साया। इस पूरे षड्यंत्र की सूत्रधार, इस पूरे चक्रव्यूह की रचयिता यही है। What nonsense! किस तरह का भद्दा मजाक है ये? मजाक नहीं है, इसे पर्दाफाश करना कहते हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपनी गलती मान लो। ओ हेलो, कौन सी गलती, कौन सा पर्दाफाश? जैसे हाथ की सफाई करने वाले बाबा ना बहुत देखे हमने। And I'm damn sure कि हमारे बालों में फेरस पोमैग्नेट भी आपने ही डाला है। आपकी वजह से हमारी पूरी बॉडी काली हो गई। तुम्हारी ये बात मान लेते तो फिर तुम्हारी जुबान कैसे काली हो? ज़बान, ज़बान को क्या हुआ? अपनी ज़बान सबको दिखाओ। आप होते कौन है हमें ऑर्डर देने वाले? हम दे रहे हैं ऑर्डर। ज़बान दिखाओ। हम कह रहे हैं जबान दिखाओ। दादी जी, आप इस ढोंगी बाबा की बातों पे यकीन मत करिए। जबान दिखाओ। अब हमारी आवाज वापस आ गई है। अब बोलिए कि हम झूठी हैं? झूठी तो तुम हो, पर तुम हो बहुत शातिर महिला, हर बात का तोड़ जानती हो। एक तो बात बताओ, जबान काली होकर आवाज जाने के बाद लकड़ी काटने से आवाज वापस आ जाता है, ये बात तुमको कैसे मालूम? सुनिए, हम ना अपनी माँ जी को ढूंढ रहे हैं। ये मेरी वाइफ की फोटो है, आपने देखा है इसे? व्हाइट कलर की गाड़ी है, देखिए कहीं कुछ पता चला? नहीं। तुम कहे हो अब तो लकड़ी भी ना काट ली हो, जवाब कहीं नहीं देते। दादी जी,
सवाल ये नहीं है कि हमें ये कैसे पता, सवाल ये है कि हम ऐसा क्यों करेंगे। माने? मतलब ये कि हमने दादी जी को पहले ही कहा था कि रोकिए, काली के साथ ऐसा मत कीजिए, काली हमारी बहन है, लेकिन हमारी सुनता कौन है? सबसे शातिर तो ये तांत्रिक ना एक नंबर का ढोंगी है, भरोसे के लायक नहीं है दादी जी। और दादी जी, अगर आपको लगता है कि ये हमारा किया धरा है, तो फिर हम काली को जल जाने देते ना, हम उसे रोकते क्यों? और इस तांत्रिक के चक्कर में तो हमारी बहन आज मर ही जाती। हमने आप लोगों से कितनी बार कहा कि इस तांत्रिक पे भरोसा मत कीजिए, मत कीजिए, बांडा फूट चुका है तुम्हारा। ओ हेलो, ये कुल्हाड़ी बुल्हाड़ी हवा में उड़ा रहा ना, ये सब हमें बेवकूफ मत बनाओ, ठीक है? ये रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होता है, हमें पता है, क्योंकि उस दिन पूजा में भी कुल्हाड़ी हमने। अपराधी से ये गलती होती है, अपने आप को निर्दोष साबित करने के चक्कर में कोई ना कोई गुनाह जरूर कबूल करता है। ऐसे ही चलती है ना ये कुल्हाड़ी गौरी? क्यों गौरी, आपको तो पता होना चाहिए, आपको तो बहुत समझ है इन चीजों की। ध्यान से देखिए इस लड़की को माँ जी, ये वही लड़की है जिसने आपको इतने समय से परेशान किया हुआ है। अच्छाई का नकाब उड़कर भेड़िए की चाल चल रही थी ये, अपनी हट, अपनी इज्जत और अपने अहम के हाथों मजबूर होकर अपनी खुद की बहन की जिंदगी तबाह करने में तुली हुई है। ध्यान से देखिए माँ जी, ऐसा दुष्ट इंसान सदियों में एक बार जन्म लेता है। दादी, मैंने अपनी आंखों से देखा, ये कुल्हाड़ी देखकर गंदे इरादों से आपकी तरफ बढ़ रही थी। कली को समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा था ये समझ में नहीं आ रहा था। हमने कार से कली की सारी निकलते हुए देखी, बस पीछा करते करते यहाँ पहुंच गए, लेकिन हमें पता था कि गौरी ही इन सबके पीछे।
लिए, दादी जी को तकलीफ देने के लिए। ये हमारा भरोसा तोड़ने के लिए, ये युग को हमसे दूर करने के लिए। और ये सुधरने का एक आखिरी मौका गंवाने के लिए। बहुत हो गया, सारी गलती हमारी नहीं है। सारी गलती इनकी है। भोली सी सूरत लेकर तुम्हारे सामने खड़ी है ना, उनकी वजह से सब कुछ हुआ है। जब तुम्हारा और युग का रिश्ता जुड़ चुका था ना, हमने हार मान ली थी काली, हम उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन इन्होंने आके हमें उकसाया। इन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि युग हमारे हो जाएंगे। जिस दादी की इतनी फिक्र है ना, तुम्हें क्या लगता है कि उनको कुछ पता नहीं है? डे वन से उन्हें पता था कि तुम्हारी युग से असली में शादी हुई है। कुल देवी के मंदिर भेजकर इन्होंने जो नाटक किया था वो क्यों किया था? ताकि ये मंडप में दुल्हन बदल सके। और पूरी दुनिया को ये साबित कर दे, युग की पत्नी तुम नहीं, हम हैं। भेड़ की खाल में अगर भेड़िए की चाल कोई चल रहा है तो वो ये है, हम नहीं। दादी, कौरी सच कह रही है ना? किसकी बातों में आ रहे हो बुआ? वो एक पर्दाफाश हो गया ना, तो उस सारा इल्जाम हम पर डाल रही है। वो हम पर काला साया था ना, वो काला साया नहीं, वो काला साया था, वो कोई कर रहा था। पता कौन कर रहा था? गौरी 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 गौरी। दादी, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं जो आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगा। मुझे पता है गौरी सच बोल रही है। हमारा यकीन करो, हम जो कुछ किए हैं ना, वो हमारे घर परिवार की इज्जत के लिए किए बोगा। गलत है, गलत, एकदम गलत। हम एक बहु मन से सबके सामने बता रहे हम, ये को अपना बहु मानते।
बाबा माफी दे दे बाबा, माफ कर, मैं क्या माफी मांगती, माफ कर दे। पुलिस अरेस्ट कर लो इन सबको। अरे अरे क्या कर रहे आप लोग, छोड़िए छोड़िए हमें छोड़िए। चल बस आप मेरी बात तो सुनो। ये मत सोचना कि सब कुछ इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा। गौरी झा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। हम वापस लौटकर जरूर आएंगे, अपना बदला लेंगे। इंतजार करना हमारा। हमारा इश्क अब सारी हदें पार कर चुका है योग। अब जुनून बन चुका है जुनून योग। आप सिर्फ और सिर्फ हमारे हैं। ये गौरी झा का प्रॉमिस है। अगर आप मुझे दादी को लेकर समझाने आई है तो प्लीज रहने दीजिए। पता है युग, जिंदगी में ऐसे रिश्ते होते हैं ना युग, जिनसे चाहके भी अलग नहीं हुआ जा सकता। माँ बाप के रिश्ते, दादा दादी के रिश्ते, ये महज सिर्फ रिश्ते नहीं है, जिम्मेदारियां हैं जिन्हें निभाना ही पड़ता है। और जो उन्होंने किया उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? युग हम कहां कह रहे हैं कि जो उन्होंने किया वो सही किया, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे। हम बस ये कह रहे हैं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है, वो शर्मिंदा है। मान जाइए ना युग, प्लीज दादी जी कब से आपका वेट कर रही होंगी। Yeah. पत्नी की जगह पति के बराबर में होती है, पीछे नहीं। आ, आ.
हम मानते हैं बुआ, हमसे भूल हो गई, विश्वासघात किया हम, पर हम सच में अपनी भूल सुधारना चाहते हैं। ईश्वर और हमारे पुरखों को साक्षी मान कर करते, इसको हम बहू मानते, अपने पोते की अर्धांगिनी स्वीकार करते। हमारे सामने का गोले लगाओ 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 लगाओ